है श्री राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज जन्माष्टमी है, तो आज मैं जन्माष्टमी बनाने वाली हूँ हरीरा। हरीरा बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि हम यूपी के हैं और यूपी में जन्माष्टमी पे हरीरा ना बने तो नहीं हो सकता। तो हरीरा बनाने के लिए आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। इसे मैं लोहे कढ़ाई में अच्छा बनता है। कढ़ाई में मैंने तेल लगा लिया है। मैं 2 चम्मच हल्दी लूँगी और मैं 3 चम्मच सोल्ट पाउडर लूँगी क्योंकि सोल्ट पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें और ये पड़ता ही है। बिना सोल्ट पाउडर के टेस्ट नहीं बनेगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर डालें, इसे स्किप ना करें। हल्दी और सोल्ट पाउडर इनको अच्छे से घोलें और कढ़ाई में जब आपका तेल गर्म हो जाए उसमें आप 1 चम्मच जीरा डालें। जीरा जब अच्छे से पक जाएगा तब आप इसमें हल्दी और सोल्ट पाउडर का पेस्ट डाल के इसे चलाना स्टार्ट करें, मतलब अच्छे से चलाएं। अगर रोकेंगे तो सोल्ट है वो 2 मिनट में जल जाएगी और कढ़ाई में लग जाएगी और जैसे आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो बस आप चलाते रहिए, देखिए 2 मिनट में सारा पक गया और इसका तेल अलग हो गया और हल्दी और सोल्ट अलग हो गई। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो आप इसमें गुड़ डालिएगा। मैंने 1/2 kg गुड़ लिया, मैं 1/2 kg गुड़ का बना रही हूँ। तो आप गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा तोड़कर इसके अंदर डालें ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब मैं इसे पानी लगा दूँगी और गैस सिम करके इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने दूँगी, वो भी सेम गैस पे 10 या 15 मिनट तक पकेगा धीरे धीरे, जिससे गुड़ सारी गल जाएगी और अच्छे से पक जाएगा और 1 तार की चाशनी भी हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से उबलता रहेगा और ये देखिए गुड़ अच्छे से घुल चुकी है। और इसको मैं बताना चाहूँगी कि इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे। अब तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नारियल कद्दूकस किया और वैसे देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। ब्राउन करेंगे फ्राई, जैसे ये देखिए अब ये थोड़ा सा क्रंची भी हो गया और ये फ्राई हो गया। और इस तरह मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने मखाने फ्राई किए हैं और ये देखो अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। इसमें मखाने डाले हैं, काजू डाला है, बादाम डाला है, किशमिश मैंने 2 तरह की डाली है, ब्लैक वाली भी और येलो वाली भी। साथ ही मैंने नारियल जो था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी इसमें अच्छी लगती है, आप जरूर डालें। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें वो सब डालें, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर आप भून कर डालेंगे तो इससे क्या है ना कि इसका स्वाद दुगना हो जाएगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। आप इसे एक बार बनाएं, मैंने घर खाएं, आराम से फ्रिज में रख दो खाकर आराम से खाएं इसे। अब इसे 10 या 5 मिनट और पकने देते हैं। देखिए इस तरह से अब ये थोड़ी थिक भी हो गई है और इसकी 1 तरह की चाशनी हो गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये जम जाएगी, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। आप इसे गुड़, कुछ लोग इसे गुड़ पाक भी बोलते हैं जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और वैसे हमारे यूपी में इसे हरीरा बोलते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।